नमस्कार, तो आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के बारे में खुफिया एजेंसियों से प्राप्त विशेष जानकारी के आधार पर सोमवार को उससे घंटों तक पूछताछ की। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि सोमवार को यूपी एटीएस सीमा के अलावा उसके पति सचिन और ससुर नेत्रपाल को भी अपने कार्यालय ले गई और कई घंटों तक पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार सीमा हैदर देर शाम को एटीएस कार्यालय से बाहर निकली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोमवार दोपहर बाद एटीएस की टीम सीमा को लेने रघुपुरा स्थित उनके घर पहुंची। उन्होंने बताया कि घर के सामने मीडिया का हुजूम होने की वजह से पीछे पड़ोसी के एक मकान की छत पर सीढ़ी लगाकर उन लोगों को निकाला गया और कोतवाली ले जाया गया। उन्होंने बताया कि एटीएस के नोएडा कार्यालय में तीनों से घंटों पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि खुफिया एजेंसियों से जानकारी दी गई है कि सीमा हैदर का चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार पद पर कार्यरत है और उसका भाई भी पाकिस्तान की सेना में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि इस वजह से सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक बढ़ता जा रहा है।